हेलो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, द स्पिरिचुअल हार्ट कम्युनिटी के इस वेबिनार में हम आपको कुछ बातें बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। हीलिंग एंड थेरेपीज को समझने के लिए उससे पहले कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। जनरली होता क्या है कि हीलिंग थेरेपी क्यों जरूरी है और हमें क्यों सीखनी चाहिए या फिर करनी चाहिए। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको एक घर बनाना है, एक घर को आप एग्जांपल लीजिए, एक हाउस आप बना रहे हैं, सबसे पहले आपने उसके नीचे बेसिक्स को बनाएंगे, उसके जमीन के अंदर वो मजबूत स्तंभ देंगे, उसके बाद उसको पिलर के जरिए हम उस हाउस को, उस घर को मजबूती प्रदान करेंगे और उसके बाद उस घर की सुरक्षा के लिए बाहरी लेवल से हम अच्छे तरीके से उसको पेंट करेंगे, प्लास्टर इत्यादि करेंगे ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर होता है दोस्तों। घर के जो पिलर हैं वो पिलर हैं आपके सेवन चक्र, जिसके ऊपर आपका पूरा बॉडी टिका हुआ है, आपकी पूरे बॉडी की ऊर्जा भी उससे टिकी हुई रहती है। और घर के जो सुरक्षात्मक की जो बात है, हमारे शरीर की जो सुरक्षा की बात है, वो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करता है, हमारा ऑरा करता है। जो हमारा ऑरा हमारे सातों चक्रों से जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम कभी भी परेशान होते हैं, जब कभी भी हमें कोई समस्या आती है, कोई बीमारी हमारे अंदर एंटर करती है, तो वो कहां से करती है? तो सबसे पहले ऑरा को डिस्टर्ब करने के बाद ही करती है। ऑरा को डिस्टर्ब किया, ऑरा खराब हुआ, उसके बाद वो चक्रों को डिसअपॉइंट किया, चक्रों का डिस्टर्बेंस होने के बाद वो जाकर के हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है। अब इसके समाधान के लिए क्या करते हैं? देखिए, संसार में चार प्रकार की पैथी है, मतलब कि पैथी थेरेपी चिकित्सा का चार प्रकार की प्रणाली है। इन चार प्रकार की प्रणाली में सबसे जो पहला प्रणाली है माइक्रोपैथी। तो माइक्रोपैथी क्या करता है कि वो आपका बीमारी के रूट काउज पर काम नहीं करता, बिकॉज वो मेडिसिन देता है, सर्जरी इत्यादि करता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका मकान है, अगर उसमें से अगर उसके अंदर में ही कोई प्रॉब्लम रहेगा, अगर बार बार आपका घर गिर रहा हो, बार बार घर आपका टूट रहा हो, घर सही से नहीं बन रहा, तो क्या आप बार बार उसको ठीक करेंगे? तो क्या वो स्थिति में रहेगा? नहीं रहेगा। क्या होता है कि मैक्रोपैथी समस्याओं के जड़ तक कार्य नहीं करता, समस्याओं के जड़ पर वो काम नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से माइक्रोपैथी जो है, जिसमें से कि आपका जो बॉडी की ऊर्जाओं के ऊपर काम करता है, जैसे कि न्यूरोथेरेपी हो गया, फिर आपका इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजॉक इत्यादि जितने सारे छोटे छोटे प्रकार के टेक्निक्स हैं जो बॉडी को हील करता है, बॉडी को ठीक करता है, ये बॉडी की ऊर्जाओं पर काम करता है, लेकिन ये भी रूट कॉज पर काम नहीं करता। समस्या पनपा कहां से? अब देखिए, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम के बारे में आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। हम एक बार आप बताना चाहेंगे कि इम्यून सिस्टम के नेटवर्क में हमारा एक नेटवर्क हमारा थैमस ग्लैंड होता है, जो हमारे हृदय चक्र से जुड़ा हुआ होता है। अब जरा सोचिए, जब आपका थैमस ग्रंथि ही पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहेगा, वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका इम्यूनिटी ही स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मेरा बताने का मतलब यह है संक्षिप्त में कि चाहे कोई भी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, उसके परेशानियों क्यों हो रही है, उसका जड़ क्या है, उसका चेतन क्या है, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, वो आपको उसके रूट काउज पर काम करना पड़ेगा।
उसके जड़ पर आपको कार्य करनी होगी। तो एकमात्र सॉल्यूशन है वो है आपका ऑरोपैथी। ऑरोपैथी क्या? वो पैथी जिसमें आपके ऑरा के ऊपर विशेषकर कार्य होता है, ऑरा के ऊपर काम किया जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को एक हीलिंग टेक्निक्स उनको आनी चाहिए, थेरेपी आनी चाहिए। थेरेपी में वो थेरेपी जो माइक्रोपैथी के अंतर्गत आता है वो पैथी आनी चाहिए, जिससे कि वो अपने रोगों को, वो अपने समस्याओं का तत्काल समाधान कर सकते हैं, तुरंत स्वयं को हील कर सकते हैं। इसीलिए हर घर में हीलर होना अनिवार्य है, हर घर में एक थेरेपिस्ट होना अनिवार्य है। उनको वो नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास वो शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि वो अपना सबसे पहले उपचार कर पाए, अपने परिवार का उपचार कर पाए, अपने मित्र बंधुओं का उपचार कर पाए। इसीलिए हीलिंग और थेरेपीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूंकि वीडियो बना रहा था तो संक्षिप्त में हमने ये बातें बताई, इसके डिटेल हम लेसन में चर्चा करेंगे, जूम वेबिनार पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इतना ही, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमस्कार चंडिकायो।